हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का अपना जो ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है हमारा सुजुकी हयाते के ऊपर। तो भाई, ऐसा है कि अपनी जो है सुजुकी हयाते का बर्थडे है। बर्थडे मतलब कैसे है, आज बर्थडे नहीं है, आज तो 10 अक्टूबर है जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, एंड कल है 11 अक्टूबर। तो कल है इसका हैप्पी बर्थडे। एंड 11 अक्टूबर 2013 को मैंने ये बाइक परचेज करी थी, एंड इसको टोटल अगर निकाला जाए कि कितने साल हो गए, तो भाई 8 साल इस बाइक को पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। एंड 8 साल का मतलब बहुत सही स्टार्ट मेरा सफ़र रहा है भगवान जैसे। एंड अभी इसके क्या है ब्लॉग, आज के ब्लॉग में खासियत क्या होगी, आज के ब्लॉग में ये खासियत होगी कि इसकी पूरी जो होगी वो डिटेल्स आपको देंगे। मतलब डिटेल्स का मतलब है कैसे मैंने ये बाइक ली, क्यों ली, कब ली, मतलब जैसे कि मतलब हयाते ही क्यों ली, मतलब हयाते क्यों ली, एंड इसी तरीके के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों को मैं इस ब्लॉग में आज के बताऊंगा। बट उससे पहले अभी हम आए हैं बाइक को धुलवाने, तो अभी आपको दिखा देते हैं कि क्या आएगा। तो इसी तरीके का अपना आज नॉर्मल हैप्पी बर्थडे ब्लॉग है, छोटा सा ऐसे बना दे रहे हैं। तो एंड आज क्यों बना रहा हूँ मैं, कल बनाना चाहिए था भाई, थोड़ा कल काम ज़्यादा है, ये है, आज है संडे का दिन, तो हमने कहा चलो आज ही बना लेते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दिन पहले बना लें, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बाकी भगवान की तो दया है। तो थैंक यू सो मच गाइस, बस ये ब्लॉग देख लेना, एंड अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट किए बना मत जाना, चैनल पर ना तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साइड में घंटी का ऑप्शन आ रहा है उसको भी दबा देना, अपने फ्रेंड फ्रेंड के साथ मेरे ब्लॉग शेयर करना मत। तो बस अभी आपको दिखाते हैं बाइक की क्या कंडीशन है। तो एक बार आप लोग बाइक की कंडीशन देख लो, तो भाई बहुत अच्छा, चलने तो कोई बात नहीं। तो भाई बाइक की जो कंडीशन हो रखी है वो कुछ इस तरीके की हो रखी है, बाइक बहुत गंदी हो रखी है, मतलब देख लो। बाकी अभी इधर बारिश का मौसम भी था, तो अभी गाड़ी धुलवाते हैं, यहाँ पे मैं आया था तो इसकी पूरी वॉशिंग वाशिंग। सो गाइस, फाइनली अपनी बाइक जो है वो धुल चुकी है, एंड आप एक बार देख लो। सो अभी अपना जो प्लान बन रहा है वो अभी प्लान बनेगा ये देखने का कि क्या होता है। अभी तो क्या है, अभी कहीं देखते हैं, कहीं घूमने हमने जा रहे हैं, अब देखते हैं कोई अच्छी जगह होगी तो घूमेंगे, और वही आपको आगे बात बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं देवड़ी घाट एंड अभी हम लोगों ने बाइक आई धुलवा ली, जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया। बाइक पीछे लगी हुई है मेरी, वहाँ पे लगा दी है। एंड यहाँ का मैं एक ब्लॉग बना चुका हूँ तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लेना। बाकी देखो मस्त प्लेस है एंड कानपुर में ऐसी कोई जगह खास है ही नहीं जहाँ हम लोग जाके दिखा पाए आप लोगों को, मस्त जगह है एंड यहीं आ जाते हैं घूमने के नाम पे। तो अपना यही था देवड़ी घाट, गंगा बराज, बिठूर, यही हो गया। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं अपने कानपुर में खास, तो यही है। एक बार बैक कैमरे दिखा देते, करतब करके दिखाऊं, करो क्या करतब दिखाया, वाह। अच्छा एक बार डॉल्फिन बन के दिखाओ, हैं? एक बार डॉल्फिन बन के, डॉल्फिन देखो यहाँ पे इस तरीके की मस्ती बाजार होता रहता है। ये सब मालूम बच्चे नॉर्मल नहीं है, इनको नॉर्मल बच्चे मत समझना, ये बीच में जाके डूबते हुए को बचा ले, गोताखोर होते हैं सच में। यही बड़े बन के बड़े मगरमच्छ यही कहलाएंगे आगे चल के। कुछ करो यार, करतब करोगे कि नहीं? ये लो शर्मा रहे तुम, तो ऐसे शर्मा, ब्यूटी कंपटीशन चल रहा है इसे। एक काम करो, उसकी चड्डी तुम पहन लो, तुम उसकी चड्डी, आपस में एक दूसरे की चड्डी बदल लो, ये बढ़िया करतब होगा। एंड उसके बाद हम लोग बजाज गए, यामाहा भी गए, कोई इतने बाइक समझ में नहीं। मुझे आ रही थी ड्रीम यूगा, मैंने पापा से कहा कि ड्रीम यूगा ले लेते हैं, पापा ने कहा नहीं ड्रीम यूगा नहीं, फिर पापा ने कहा सुजुकी एक कंपनी है तो उसकी बाइक देखते हैं।
तो मुझे ना उस समय बिल्कुल सुजुकी के नाम से ऐसा लगा क्या यार क्या बाइक कुछ है ही नहीं, सुजुकी में कोई बाइक ही ऐसी अच्छी नहीं है। पर पापा ने कहा नहीं नहीं जब सारी कंपनियां देख रहे तो भाई सुजुकी भी देख लेते हैं। तो सुजुकी का भी शोरूम होंडा के जस्ट आगे ही था, चुन्नीगंज में होंडा का शोरूम बना हुआ है, उसी के साइड में वहीं पे जो फायर ब्रिगेड का इसका सेलिब्रेट कर नहीं रहे हैं ऐसा कुछ खा, अगर होगा तो कुछ खाना पीना खा लिया, बाकी बीच में हम लोगों ने रुके वो हम लोगों ने दिखाया नहीं। एंड बाकी ऐसी सेलिब्रेट चलते रहेगा, करते रहेंगे, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों ये पूरी ब्लॉग और ये पूरी जो वीडियो थी वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बस यही था कि इस तरीके से बाइक मेरे पास आई एंड मुझे नहीं पसंद थी। हाँ उसके बाद मुझे पसंद आने लग गई कि नहीं लाने लग गई, तो हाँ उसके बाद मुझे बहुत पसंद आने लग गई है भाई। एंड आप तो यार बहुत मतलब दिल से करीब रही एंड बहुत ज़्यादा साथ दिया हर चीज़ में। तो बस यही दिखाना था, यही दिखाना था आप लोगों को, बताना था इसकी यही। बाकी अभी मोर और भी यहाँ पे मिल जाते हैं, रात के समय ज़्यादा आने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत जंगली जानवर निकलते हैं अभी तो।
अच्छा वो गिरते हुए वाली नहीं है। सो अब हम लोग जा रहे हैं वापस एंड अभी जा रहे हैं पेट्रोल इसमें डलवाने, क्योंकि पेट्रोल तो है नहीं अभी। है अच्छा खासा पेट्रोल है, बट फिर भी ये है कि पड़वा लेना चाहिए। तो बाकी देख लो यार सुजुकी हयाते का जो हेडलाइट रिस्पॉन्स होता है। बाकी ये जगह जंगली जंगल है देख सकते हो। तो ये अभी हाई बीम पे चल रही है एंड अभी लो बीम पे करते हैं। तो देखो ये है लो बीम। अब फिर से हाई बीम।